अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल माई लाइफ इन यूएसए। माई लाइफ इन यूएसए जी स्नो से भरी पड़ी है। आजकल सर्दी और सर्दी भी पड़ी है, बहुत बहुत सर्दी पड़ रही है। माइनस में जा रहा है, सुबह -10 था, अभी कितना जी? -6 है। अच्छा जी, इस -6 में हम जा रहे हैं वर्जीनिया, जा रहे हैं रेस्टोरेंट। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा व्लॉग बना लूँ। ये देखें, आज जो है सड़कों की हालत काफ़ी बेहतर है, साफ़ हो गई है, उन्होंने काफ़ी साफ़ कर दी हैं सड़कें, और कुछ गाड़ियों ने चला चला के सड़कें साफ़ कर ली हैं, तो काफ़ी बेहतर है माहौल। तो हमने सोचा चलो थोड़ा आउटिंग हो जाए। चलें जी, हम कितना मिनट रह गए हैं? 30 मिनट रह गए हैं पहुँचने के लिए, और ऑलमोस्ट 1 आवर की ड्राइव। हम इतनी दूर जाते हैं देसी खाना खाने के लिए, अच्छा, क्योंकि हमारी तरफ इतना अच्छा देसी खाना नहीं मिलता, अफगानी मिलता। ऑलमोस्ट 1 आवर की ड्राइव है, ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं। चलें जी, ये वर्जीनिया पहुंच गए हैं हम, ऑलमोस्ट देयर। ये देखें, यहाँ पे बत्तियाँ छत्तियाँ, मैंने कहा दिखा दूँगा आप लोगों को थोड़ी बहुत। ये देखें जी, आ गए हम देसी बैठक। कराची का है ये, कराची के लोगों ने खोला हुआ रेस्टोरेंट। यहाँ की बिरयानी भी बहुत अच्छी होती है और कढ़ाई भी। ये देखें जी, देसी बैठक में ये ईदी साहब भी बैठे हुए हैं, और ये देखिए इन्होंने इस तरह से बनाया हुआ सेटअप। पहले से छोटा हो गया, बड़ी प्यारी जगह हुआ। अब हमने खाना ऑर्डर किया। चले जी, सबसे पहले शायान का ऑर्डर आ गया, नगेट्स और फ्राइज एज यूजुअल। ये लो बेटा, शानू खाओ। चले जी, हमारी आ गई है क्या, हाईवे कढ़ाई, रेड हाईवे कढ़ाई, पता नहीं क्या नाम है इसका, जो भी है। और ये नानों का पलंदा नान है ये। अभी बाकी मेन्यू आ रहा है हमारा। ये देखें जी, पूरियाँ जो कि पहले इतनी अच्छी होती थी, इस बार तो इन्होंने अच्छी बनाई नहीं है पूरियाँ। लगता भूल ही गए, लगता वो वर्कर चेंज हो गया। चलें जी, ये आ गई है हमारी बिहारी रोटी, यहाँ की बहुत फेमस है, बहुत मज़े की होती है। और ये है सीख कबाब, ये भी बिहारी रोटी, और ये है जी एक अदर टिक्का। चलें जी, अब खाना खाते हैं, बहुत भूख लगी है, बिस्मिल्लाह करते हैं। ये देखें जी, मेरी बिरयानी तो मैं भूल ही गई थी, ये एक अदर मेरी बिरयानी आई है, बहुत ही आला किस्म की कराची की बिरयानी। मैं खा के बताती हूँ आपको, ज़रा आपको भी मज़े आ जाएँ। चलें जी, बिहारी रोटी खा के बताती हूँ मैं आपको कैसी है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत बहुत टेंडर, मज़े की बनी है, अलग किस्म की बिहारी रोटी। और बिरयानी बिल्कुल कराची जैसी है, बहुत मज़े की बनी है। बनी है तो मैं ऐसा कह रही हूँ जैसे घर में बनी। ज़बरदस्त। देखें जी, बिहारी रोटी को डालेंगे हम इमली की चटनी में और फिर खाएंगे। बहुत टेस्टी, मज़े की जी। मैं रेट करती हूँ इनका खाना। ये जो बिहारी रोटी थी, नंबर 1 थी, और नंबर 2 पे थी बिरयानी, नंबर 3 पे मेरे ख्याल में चिकन टिक्का जो था, मेरे ख्याल में कढ़ाई थी जो कि सफाया हो चुका है अभी, और नंबर 4 पे था कढ़ाई, और नंबर 5 पे नान, और नंबर 6 पे था पूरियाँ, जो कि हम जिसकी खातिर आए थे, पूरियाँ अच्छी मिली नहीं। चलो कोई नहीं, खैर, नंबर 1 पे सोडा सबसे पहले। चले अभी बिरयानी मेरी बाकी है, मैं खा लूँ। जी, हम देसी लोगों का भी हाजमा नहीं हुआ, अब किस कुछ मीठा हो जाए। अब हम जा रहे हैं आइसक्रीम खाने। इसको गोला गंदा खानी, वाकई इसे ना स्नो कोन बन सकती है मजे की। सर्दी, अब थोड़ी देर और खले रहे, मैंने कुल्फी बन जाना। इधर बहुत सर्दी है भाई, जल्दी आ जाए। चले जी, हम आ गए हैं डीसी में, यहाँ से आइसक्रीम खाएंगे। यहाँ तो भाई रौनक लगी हुई है, सारी लाइट्स वगैरह ऑन है, सब कुछ तीन चढ़ा पड़ा है। ये देखिए, हर जगह स्नो जमी पड़ी है। ये देखिए जी, ये एक अलग किस्म का स्नो मैन है, जो बेचारा ढेरी हुआ पड़ा है। थोड़ा स्केरी भी लग रहा है, कैसे स्नो जमी हुई है। चले जी, इनकी प्रमोशन करते हैं फ्री में। ओह, यहूदी
ये जी अभी टेस्ट टेस्टिंग हो रही है, फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे कौन सी। चलें जी, शायान की भी आ गई फेवरेट आइसक्रीम। शायान कौन सी खा रहे हो फ्लेवर आप? कुकीज एंड क्रीम। जो इसकी सुई अड़ी हुई थी वही ले लिया मैंने। तो ले लिया जी वाइट चॉकलेट वनीला रास्पबेरी ट्रफल, जो भी है बहुत मज़े किया। चलें जी आइसक्रीम खाते हैं, व्लॉग एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना भी ख्याल रखें, दूसरों का भी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।